सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आई है जो हम आपको देना चाहेंगे। खबर आई है ये ईडी के नोटिस को लेकर। जी हां, सोनिया और राहुल को नेशनल हेराल्ड केस में फिर से देखा जाए तो ईडी ने नोटिस भेजा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजते हुए जो कहा आपको बताते हैं। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा किया है नोटिस के बाद, लेकिन इसकी बात में करेंगे। फिलहाल आप जानिए यहाँ पर क्या खबर आई हुई है उन्हें लेकर। बताना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है कमान, ईडी का, सीबीआई का और दिल्ली पुलिस प्रशासन का। ऐसे में ईडी अगर शिकंजे में लेती है किसी भी पार्टी के नेता को तो इसमें बड़ा हाथ गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा सपोर्ट बताया जाता है। तो अमित शाह सोनिया और राहुल को अब दिखा रहे हैं उनकी असली जगह। जी हाँ, पानी पिलाते नजर आ गए हैं अमित शाह सोनिया और राहुल को। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा भी किया। दरअसल आपको बता दें, सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये लोग इस नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अब सिंघवी ने कहा 8 जून को सोनिया जी से पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कहा गया था। ईडी ने 8 जून को राहुल गांधी और सोनिया से पूछताछ का फैसला लिया और उन्होंने मना नहीं किया, यानी कि पूछताछ के लिए ईडी बुला चुकी है। अब पुलिस दफ्तर, पुलिस प्रशासन का ये डंडा जो है सोनिया राहुल पर चलने को तैयार है। सोनिया से पूछताछ किया जाएगा, सोनिया इसके लिए तैयार। राहुल फिलहाल विदेश में है, वह तब तक वापस आ गए तो वो भी ईडी से और वक्त मांगेंगे वरना शामिल होंगे। वैसे बताया जा रहा है कि ईडी पीएम के लिए और अमित शाह के लिए पालतू एजेंसी है, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। ईडी के नोटिस को कई कार्याना हरकत बताया गया है कई बार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।